क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग IPL का 13वां सीजन शुरू होने में अब बहुत कम वक्त रह गया है। इस सीजन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से प्रबल दावेदार के रूप में उतर रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम वैसे तो इस सीजन के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है, लेकिन इस टीम को कुछ दिन पहले तब बड़ा झटका लगा था जब लसित मलिंगा ने अपना नाम वापस ले लिया था। लसित मलिंगा के बाहर होने से टीम को काफी फर्क पड़ेगा, ये बात हम नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा को भी महसूस हो रही है। दरअसल IPL शुरू होने के ठीक पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने मलिंगा के ना खेलने को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके स्थान को भरना आसान होगा, वो मुंबई इंडियंस के लिए मैच विजेता रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, जब भी हम खुद को मुश्किल में पाते हैं तो मलिंगा हमेशा हमें इससे बाहर निकालते हैं। पिछले प्रदर्शन को देखते हुए टीम को उनकी काफी कमी खलेगी और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उनके अनुभव की कमी खलेगी। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए जो किया है वो अविश्वसनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस साल टीम का हिस्सा नहीं है। रोहित शर्मा ने इसके बाद कहा कि हमारे पास जेम्स पेंटिसन, धवल कुलकर्णी, मोहसिन खान इन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं और हम मलिंगा की जगह इन्हें खिलाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि मलिंगा ने मुंबई के लिए जो कुछ किया उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। चेन्नई के खिलाफ पहले मैच को लेकर मुंबई के कप्तान ने कहा कि CSK IPL की सफल टीमों में से एक है और आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, वो आक्रामक प्रदर्शन करेंगे। हम में से किसी ने भी कई महीनों से क्रिकेट नहीं खेली है, इसलिए हर कोई जीत से शुरुआत करना चाहता है। हमें दोनों टीमों के बीच अच्छे मुकाबले की उम्मीद है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि हमें बतौर टीम क्या करने की जरूरत है। रोहित शर्मा के बयान से यही लगता है कि उन्हें लसित मलिंगा की कमी जरूर खल रही है, लेकिन कल होने वाले मैच में दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगी। देखना होगा कि कौन सी टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।